हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एलोकेसिया के बारे में बात करेंगे और ये है मेरा एलोकेसिया अमेज़ोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलोकेसिया अमेज़ोनिका के साथ साथ एलोकेसिया के कॉमन केयर टिप्स, जो कि आप किसी भी वैरायटी के एलोकेसिया पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आपके पास किसी भी वैरायटी के एलोकेसिया है या फिर कोई एक एलोकेसिया को आप अपने गार्डन पर जगह देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। मुझे इसे ग्रो किया हुआ 4 साल हो रहे हैं। जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो ये काफ़ी छोटा था और इसका सिर्फ एक ही पत्ता था। एक बार मैंने इसका लोकेशन चेंज कर दिया तो लोकेशन शायद इसको पसंद नहीं होने के कारण धीरे धीरे इसका पत्ता जो है पूरा गल गया था। सिर्फ एक ही पत्ता बचा था जैसे तैसे करके। फिर मैंने इसको नरिश किया, केयर किया, तो फिर धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 4 पत्ते अब बन गए हैं। यानी कि अब मुझे अच्छे से नॉलेज हो गया है कि इसे क्या पसंद और क्या नहीं पसंद। और इसके पत्ते तो देखिए कितना प्रीटी है ना, देखिए। हालांकि ये फ्लावरिंग भी करता है, इसके फ्लावर्स बिल्कुल कैलिडियम की तरह होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती तो इसके पत्तों में ही होता है। कई लोग इसे अफ्रीकन मास्क भी कहते हैं, क्योंकि ये देखने के लिए बिल्कुल अफ्रीका के मास्क की तरह लगता है। इसके पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और पत्तों के बीचों बीच बने ये लाइन्स, वेन्स टाइप का वाइट कलर के लाइन्स के कारण इसके पत्तों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। इसका पत्ता सिर्फ आगे नहीं, इसके पत्ते पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है। ये देखिए इसके बैक साइड में इस तरह के ब्राउन कलर होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगता है। इसके साइड में देखो तो बाकी प्लांट्स के पत्तों की तरह ये स्ट्रेट नहीं होता, इसके साइड में इस तरह का वेव टाइप का बना होता है, जिसके वजह से इसके पत्तों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके पत्तों की साइज़ की मैं बात करूँ ना, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ के पंजे के से भी ज़्यादा बड़ा है इसके पत्तों के साइज़, यानी कि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। एलोकेसिया वो चाहे किसी भी वेराइटी का एलोकेसिया हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ओरिजिन होता है। रेन फॉरेस्ट के घने जंगलों के बीचों बीच या फिर रेन फॉरेस्ट के बड़े से पेड़ के, मतलब कैनेपी के नीचे, पेड़ के छांव के नीचे पाए जाने वाली प्रजातियां हैं ये। तो फ्रेंड्स, अगर हम भी ना इसे लाइट एंड लोकेशन रेन फॉरेस्ट की तरह ही प्रोवाइड कर पाएँ, तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खुश और हेल्दी रहता है। यानी कि इसे कड़ी धूप तो बिल्कुल नहीं पसंद। कड़ी धूप में अगर आप इसे रखोगे तो ये प्लांट जल जाएगा। धूप में नहीं रख कर अगर आप इसे छाँव में भी रखोगे, लेकिन इसके आसपास गर्माहट होगी, आसपास धूप होगी, तो ऐसे एरिया में भी अगर आप इसे रखोगे तो इसका जो है पत्ता जो है धीरे धीरे करके गलने लगेगा। और अगर आप इसे किसी ठंड वाले एरिया पे रखोगे तो भी इसका ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो हो जाएगा। यानी कि इसे मॉडरेट क्लाइमेट पसंद है, ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड। अगर आप इसे तेज़ रोशनी वाली एरिया पे रखोगे, जहाँ पे हवा का फ्लो हो, जहाँ पे हवा का बहाव हो, इधर की हवा उधर, उधर की हवा इधर बहती हो, और आप इसे सिंगल नहीं रख करके बाकी प्लांट के साथ झुंड में रखोगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि देखिए रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स एक साथ होते हैं, मॉइस्चर एक दूसरे के साथ ये लोग शेयर करते हैं, छन छन के धूप आती है, यानी कि फिल्टर सनलाइट। तो इसी तरह से हम इसे लोकेशन देना तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो ये 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। क्योंकि ये बल्ब वाला पौधा है, ओवर वाटरिंग से इसका बल्ब गल सकता है, तो इसे वाटरिंग करने से पहले इस तरह से चेक कर लें। अगर इस तरह से मिट्टी जो है गमले की फुरफुरा सा है, तो आप इस पर वाटरिंग कर सकते हैं। आप 2-3 दिन में एक बार वाटरिंग कर सकते हैं। पॉट साइज़ की मैं बात करूँ तो 8 से लेकर 9 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी होता है। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि हम लोग बड़े साइज़ के पॉट लेंगे तो हमारा हाथ से पानी भी ज़्यादा चला जाएगा और फिर ओवर वाटरिंग के कारण इसका बल्ब गलने लगेगा। सोइल मिक्सचर की मैं बात करूँ तो इसके लिए बेस्ट रहेगा गार्डन सोइल, काउडंग कंपोस्ट, राइस हस्क और सैंड। इन 4 चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर इसके लिए सोइल मिक्सचर बनाओगे तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके लिए सोइल मिक्सचर बनाते समय कोकोपीट को ऐड ना करने की मैं सजेशन दूंगी,
क्योंकि कोकोपीट जो है मॉइस्चर को होल्ड करके रखने का काम करता है। और ये है मेरा एलोकेसिया सिल्वर ड्रैगन। ये देखिए इसके ऊपर की जो है पत्तों की परत बिल्कुल सिल्वर कलर की है, इसीलिए शायद इसे सिल्वर ड्रैगन कहते हैं। जब मैंने इसे परचेज किया था तो इसका एक ही पत्ता था और मैं इसे पिछले साल से ग्रो कर रही हूँ और देखिए इसमें अब नए नए पत्ते भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। ये वाला एलोकेसिया जो है ना, एलोकेसिया अमेजोनिका से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 5% आप बोल सकते हो हार्डी होता है। ये थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट यानी कि थोड़ा सा गर्माहट वाला एरिया को भी ये थोड़ा सा ये बर्दाश्त करने की इसके अंदर कैपेसिटी होता है, पर इसे हार्ड सनलाइट तो इसे भी बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी सारे रिक्वायरमेंट इसकी एलोकेसिया अमेजोनिका की तरह ही होता है फ्रेंड्स। और अगर आपको एलोकेसिया काफ़ी कम हाइट वाला चाहिए, किसी टेबल टॉप में रखना है आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आपको एलोकेसिया सिल्वर ड्रैगन ज़रूर ले। और ये आ गया मेरा ह्यूज एलोकेसिया, मैंने इसे ग्राउंड पर ही लगा रखा है। आप चाहे तो इसे 15 से लेके 20 इंच के पॉट पर भी ग्रो कर सकते हैं। ग्राउंड पर ग्रो करने पर ये हार्ड से हार्ड सनलाइट भी सह जाता है। इसका बल्ब एडेबल होता है, इवन मैंने इसे खाने के पर्पस से ही लगाया है फ्रेंड्स। एलोकेसिया के पत्ते को खूबसूरत और चमकीला बनाए रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, 15 से लेकर 20 दिन के गैप में इस तरह से सूती के कपड़े को पानी में डुबोकर अच्छी तरह से निचोड़ ले, फिर अपने हाथों को इस तरह से एलोकेसिया के पत्तों के नीचे रख दे, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसके पत्ते को इस तरह से पोंछ दे। 15 से लेकर 20 दिन के अंतराल में अगर आप ये काम करते हो तो आपके एलोकेसिया के पत्ते हमेशा खूबसूरत और शाइनी रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ओके देन, बाय बाय।